तो जब भी अपने बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर एक बार फिर से वापस आएंगे, ये बात तो कंफर्म है कि उनका रीमैच होने वाला है रोमन रेंस के साथ में। लेकिन चलो मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ओहो अंग्रेजी देख रहे हो, एज्यूम करते हैं कि जो रोमन और लेसनर का रीमैच है वो निपट चुका है, तो उसके बाद कौन सा लेसनर का न्यू ओपोनेंट होने वाला है, इसको लेकर WWE ने रिसेंटली खुद चीजें टीज कर दी, उसके बारे में डिस्कशन होगी। AJ स्टाइल्स ने क्यों एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ को मिस किया, इसका एक रियल रीजन आ चुका है सामने। रॉ के सुपरस्टार को भी उसका न्यू नेम मिल चुका है। WrestleMania 37 की ब्रेव आर्ट या फिर फीड वर्सेज ऑटन के मैच से दोनों सुपरस्टार्स खुश नहीं थे, और भी काफी सारे बैक स्टेज अपडेट्स आ चुके हैं सामने। और स्मैकडाउन ने जब रीप्ले किया AEW रैम्पेज के अगेंस्ट, उसकी व्यूअरशिप भी आई है सामने, तो एक बार फिर से रीप्ले ने हरा दिया AEW को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले शुरू करेंगे हमारे करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन द आर्चर ऑफ इनफेमी, वैसे अब वो है नहीं, उनका हील टर्न हो रहा है, नाम है उनका डेमियन प्रीस्ट। मेरे हिसाब से भी फिलहाल रॉ के अंदर अगर मैं बात करूं US टाइटल की, तो डेमियन प्रीस्ट है वो US टाइटल को काफी अच्छे तरीके से हमें होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका टी बार के खिलाफ काफी कमाल का मैच हुआ था, लेकिन होता क्या, हमने देखा मैच के दौरान जो टी बार है वो केंडो स्टिक से लगातार छाती बजा डालते हैं एक बैंड बाजी बारात की तरह डेमियन प्रीस्ट की। और रिसेंटली जो डेमियन प्रीस्ट है उसकी फोटो भी हमें शेयर करते हुए नजर आते हैं, वो फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे जहां पर उनके पेट के ऊपर भाई तगड़े तगड़े से निशान बने केंडो स्टिक के, और काफी देख के यार अजीबो गरीब सा लगता है। आपको याद होगा डोमिनिक की जब केंडो स्टिक पड़ी थी सेथ और बडी मर्फी की तरफ से, भाई वो फोटो भी काफी अजीबो गरीब टाइप थी, और यहाँ पे भी देख रहे हो पेट के ऊपर टैटू से बन रखे केंडो स्टिक के। इसको लेकर क्या आपका सोचना, कि आपके हिसाब से डेमियन प्रीस्ट एज US चैंपियन काफी अच्छा काम कर रहे हैं या फिर नहीं, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार स्मैकडाउन के रीप्ले के बारे में जुड़ी है। अब पिछले हफ्ते जो स्मैकडाउन का रीप्ले वाला शो था वो हुआ था अपने फॉक्स नेटवर्क के ऊपर एयर ऑन, और फॉक्स नेटवर्क के जब स्मैकडाउन का रीप्ले शो एयर ऑन होता है तो वहां पर जो रेटिंग्स आती हैं वो AEW रैम्पेज को हरा देती है, जो कि सही में काफी बड़ी चीज थी कि भाई स्मैकडाउन का रीप्ले हरा गया AEW रैम्पेज को। लेकिन जो इस हफ्ते का स्मैकडाउन का शो था वो इस बार एयर ऑन हुआ था अपने FS1 नेटवर्क के ऊपर, रेटिंग चलो जो एवरेज आई थी वो 1 मिलियन से ऊपर आई थी, लेकिन जो रीप्ले था उसका पहला घंटा था अपने AEW रैम्पेज के साथ में, क्योंकि इंस्टेंटली जैसे मान लो अभी स्मैकडाउन खत्म हुआ फिर से रीप्ले स्टार्ट हो गया उसी सेम नेटवर्क के ऊपर। लेकिन अगर मैं बात करूं FS1 नेटवर्क के ऊपर जो रेटिंग्स आई हैं वो भी काफी कमाल की हैं, क्योंकि रेटिंग्स आई हैं 2,78,278 के पहले घंटे के अंदर, और दूसरे घंटे में 1,47,147 के। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही कि अगर WWE एक बार फिर से फॉक्स नेटवर्क के ऊपर होती तो इस हफ्ते का जो रैम्पेज का शो है वो एक बार फिर से हार जाता स्मैकडाउन के रीप्ले वाले एडिशन से। अब मुझे लगता है ऐसा WWE जानबूझ के उंगली करने के लिए कर रही है, वरना हमने देखा पहले से इंडिया के अंदर होता था कि भैया स्मैकडाउन खत्म हुआ रीप्ले तुरंत स्टार्ट हो गया या फिर 1 घंटे बाद स्टार्ट हो गया, लेकिन अब जो WWE वो इंस्टेंट रीप्ले स्टार्ट करती है। अब देखते हैं अगले हफ्ते एक बार फिर से फॉक्स नेटवर्क के ऊपर वापसी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से रीप्ले के हिसाब से FS1 नेटवर्क के हिसाब से ये रेटिंग्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स के बारे में। लगातार 2 हफ्ते हो चुके हैं और अपने जो फिनोमिनल वन है वो WWE से गायब है। पिछले हफ्ते हमें लगा कि हाँ भैया WWE सोच रही होगी कि इस हफ्ते चलो क्या बुक करना, अगले हफ्ते बुक कर लेंगे। अब WWE ने इस हफ्ते रॉ में भी AJ स्टाइल्स को बुक नहीं किया, ना वो बैक स्टेज के ऊपर थे, ना वो एडवर्टाइज किए जा रहे थे शो के लिए, और ना ही शो पर उनका कोई मैच होता है। अब पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट आई थी सामने उसके अकॉर्डिंग जो AJ स्टाइल्स है वो मेडिकली क्लियर नहीं थे या फिर उन्हें इंजरी वगैरह हो गई थी छोटी मोटी माइनर टाइप की, इसलिए शायद वो 1-2 हफ्ते WWE से बाहर रहते हुए नजर आए। लेकिन आज एक और बड़ी अपडेट आती है सामने AJ स्टाइल्स को लेकर, और बताया जा रहा है कि AJ स्टाइल्स WWE से छुट्टी के ऊपर है, और मे बी वो जो छुट्टी है वो एक नॉन मेडिकल लीव है। नॉन मेडिकल लीव मतलब यहां पर कोई इंजरी या फिर कोई मेडिकल या फिर हेल्थ को लेकर कोई भी इशू नहीं है AJ स्टाइल्स के, बल्कि मे बी ऐसा हो सकता है उन्होंने WWE से थोड़े टाइम के लिए अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालने के लिए कहा हो, तो और उन्हें WWE से ये वाली पूरी लीव मिल गई है। वैसे ज्यादा कुछ अभी फिलहाल स्पेशल अपने AJ स्टाइल्स के साथ तो हो नहीं रहा, जो सोचेंगे कि भैया नहीं फैमिली से मिलने चला जाऊंगा तो मेरा ये वाला जो रन है वो खराब हो जाएगा और ऑडियंस को इतना मजा नहीं आएगा। अभी फिलहाल AJ स्टाइल्स का कचरा और है WWE में, ये बात मैं खुद कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से WWE ये भी कर सकती है कि वो ओमास का है सिंगल सुपरस्टार एक्सपेरिमेंट कर रही है कि AJ स्टाइल्स के बिना जो ओमास है वो कहां पर स्टैंड करते हैं। अगर ओमास यहां पर सक्सेसफुल रहते हैं तब जब AJ स्टाइल्स वापस आएंगे मे बी वो सिंगल में बुक किए जा सकते हैं। अब लेट्स सी कब AJ स्टाइल्स वापस आते हैं, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ अभी फिलहाल ये वो कुछ रीजन है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ AJ स्टाइल्स के लगातार 2 हफ्ते की एब्सेंस का। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो एक क्विक न्यूज है, इस बार ये जुड़ी है रॉ के सुपरस्टार के बारे में, और रिसेंटली रॉ के सुपरस्टार को उनका न्यू नेम मिल चुका है, और ये जो सुपरस्टार है वो अपने इंडिया से ही है। उनका नाम है वीर, आपको याद होगा इंडस शेर या फिर जिंदर महल का बोला फैशन टाइप था, जहां पर शैंकी वीर और जिंदर महल थे, अब वो स्प्लिट
इसलिए हो चुका है क्योंकि जिंदर माल और जो शैंकी है वो जा चुके हैं स्मैकडाउन के अंदर और अपने जो वीर है वो अकेले बचे हैं मंडे नाइट रॉ में। और होता है कि जो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ का शो था वहां पर WWE एक और प्रोमो एरॉन करती हुई नजर आती है वीर को लेकर कि वीर इज कमिंग टू रॉ। तो यहां पर जो WWE है उन्होंने नेम के अंदर थोड़े से चेंजेस कर दिए, अब जो वीर है उनको एक अपना लास्ट नेम भी मिल चुका है WWE में और नाम बन चुका है वीर महान। अब आपको बताइए हिंदी के अंदर महान का मतलब क्या होता है। वैसे हम लोग किसी की झंड करने के लिए नाम यूज करते हैं कि भैया तू बड़ा महान बन रहा है अपने आप को, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में सरनेम का मतलब ग्रेट है कि हाँ भैया वीर अपने काफी ग्रेट है और वो आ रहे हैं मंडे नाइट रॉ में। और WWE ने यहाँ पर नेम के अंदर चेंजेस किए हैं, इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन, देखते WWE काफी ज्यादा हाइप कर रही है वीर को और अब तो वीर महान के नाम से चीजें हाइप हो रही है, तो क्या WWE फाइनली वीर को अच्छे वे में बुक करेगी? आई गेस इंडिया के सुपर स्टार्स को भी यार बेबी फेस वाले यू नो टर्म में बुक करना चाहिए। स्टार्टिंग में हमने देखा NXT के अंदर जो इंडस्ट्री है उन्हें काफी ठीक ठाक से रिएक्शन मिल रहा था इस बेबी फेस, लेकिन जब से वो हील बने तब से चीजें और भी ज्यादा यू नो चौपट टाइप हो गई हैं। और मेरे हिसाब से एक न्यू टैग टीम की जरूरत है WWE को और इंडस्ट्री को एक बार फिर से WWE को लाना चाहिए वापस। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो सेकंड लास्ट न्यूज है, इस बार ये ब्रेव हार्ट के बारे में जुड़ी है। WrestleMania 37 के अंदर एक मैच होता है फिंड वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में। अब इस मैच से काफी लोग सेटिस्फाई थे, काफी लोग अनसेटिस्फाई थे, उसका मेन रीजन है मैच की एंडिंग। रैंडी ऑर्टन जीते वो अलग बात है, लेकिन जो मैच की एंडिंग है वो काफी ज्यादा अजीब और गरीब थी। अचानक से एलेक्सा ब्लिस को पता नहीं क्या हो जाता है और वो भूतिया ताकतों का यूज करके हमें फिंड को मैच में हरवाती हुई नजर आती है। बाय द वे इसको लेकर और भी कुछ न्यूज आ चुकी है सामने, रिसेंटली फिंड को लेकर काफी सारी चीजें चल रही है जब से वो फ्री एजेंट बने हैं। और ये जो रिपोर्ट है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से आती है सामने, फाइटफुल सिलेक्ट ये बात कंफर्म करता है कि WrestleMania 37 के रैंडी ऑर्टन और फिंड के मैच से बहुत से लोग अनसेटिस्फाई थे बैक स्टेज के ऊपर, जिनमें ब्रेव हार्ट और फिंड के साथ साथ द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन भी शामिल है। बताया जा रहा है कि जो रैंडी ऑर्टन है वो WWE मैनेजमेंट से काफी यू नो गर्मा गर्मी टाइप हो गई थी कि भैया कैसे फ्यूड बुक कर रहे हो, जैसा हम लोग सोच रहे थे या फिर मैच जो वाइट है वो सोच रहे थे कि फ्यूड इस तरीके से जाएगा, हम लोग मैच के अंदर कुछ इस वे में करेंगे। आप ऐसा तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप इस पूरे फ्यूड का कचरा कर दे रहे हो और WrestleMania के अंदर आप लोग ऐसा मैच पुट ओवर करोगे। एक ऐसा WrestleMania जहां पर WWE अच्छे मैचेस पुट ओवर करती है वहां पर आप ये वाहियात सी एंडिंग रखने वाले हो। तो रैंडी ऑर्टन भी काफी यू नो गुस्से में थे कि भैया किस तरीके से WWE इस पूरे मैच को, इस पूरे फ्यूड को, इस मैच की एंडिंग को अभी फिलहाल प्लान करती हुई नजर आ रही। बताया जा रहा है कि बैक स्टेज के ऊपर ऐसे काफी सारे टॉप सुपरस्टार्स हैं जो कि रैंडी ऑर्टन को इस चीज के अंदर सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ये फ्यूड उतना वर्दी नहीं लग रहा है जितना ये एक्चुअल में होना चाहिए था। साथ ही में फाइटफुल सेलेक्ट और भी बात कंफर्म करता है कि भैया आने वाले टाइम में और भी काफी सारी चीजें फिंड को लेकर आ रही है सामने कि फिंड के WWE के अंदर क्या कुछ चक्कर था, क्या वो मेन रीजन उन्हें रिलीज किया गया या फिर और भी काफी सारी बातें आपको आने वाले टाइम में फिंड को लेकर पता लगने वाली है। लेकिन हाँ ये WrestleMania को लेकर बड़ी चीज है कि जो रैंडी ऑर्टन है वो भी WWE से काफी ज्यादा नाराज थे। बाय द वे अभी फिलहाल जो अपने वाइपर वेल रैंडी ऑर्टन है वो अपने रिडल के साथ में जो कि WWE के एक बड़े फ्यूचर सुपरस्टार है और जरूर रैंडी ऑर्टन को इस चीज में उन्हें खुशी हो रही होगी, लेकिन जो फिंड वाला सीन है मेरे हिसाब से वो भी सेम है, काफी बेकार टाइप था कि WWE ने किस तरीके से उस करेक्टर का एकदम कचरा टाइप कर दिया। लेकिन रैंडी ऑर्टन अब फिलहाल थोड़े सेटिस्फाई लग रहे हैं। आरके ब्राउ मेरे हिसाब से जरूर एक बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है ब्राउ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और इस बार ही जुड़ी है बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में। अपने जो लेसनर है जब भी वो वापस आएंगे जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा उनका रीमैच होने वाला है रोमन रेंज के अगेंस्ट। लेकिन चलो मान लेते हैं रोमन ब्रॉक का जो पूरा सिनेरियो वो निपट चुका है, तो अब कौन सा होने वाला है लेसनर का नेक्स्ट अपोनेंट, तो इसको लेकर रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने। और ये जो रिपोर्ट्स है वो बात बताती हैं कि आपने देखा स्मैकडाउन के अंदर स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर ने मुस्तफा अली को क्लेमोर देकर जीत हासिल नहीं की बल्कि उन्होंने सबमिशन से जीत हासिल की और उन्होंने लेसनर का सबमिशन मूव यूज किया जो कि था किमुरा लॉक। और बताया जा रहा है आने वाले टाइम में WWE किमुरा लॉक एक परमानेंट मूव भी कर सकती है स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर का और पॉसिबली ये टीज है कि आने वाले टाइम में लेसनर और मैकइंटायर का एक और मैच होने वाले। इवन जो मैकइंटायर उन्होंने खुद भी कहा था कि वो लेसनर का फेस करना चाहेंगे ऑडियंस के सामने, लाइव क्राउड के सामने, और मेरे हिसाब से भी लेसनर बदला तो जरूर लेना चाहेंगे मैकइंटायर से WrestleMania 36 की हार का किस तरीके से वहां पर वो डिथ्रोन होते हुए नजर आए। तो यस मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में एक बार फिर से मैकइंटायर जो लेसनर हमें आपस में आमने सामने आते हुए नजर आए। और मेरे हिसाब से इस बार बीस्टी बॉय मैकइंटायर को छोड़ने वाले नहीं है, इस बार बीस्टी बॉय धज्जियां उड़ाने वाले मैकइंटायर की। बाय द वे इनका एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी तो हो सकता है WrestleMania में रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस मैकइंटायर, लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। आज की वाली वीडियो लेकिन बस यहीं तक थी, वीडियो पसंद आई लाइक कर देना नीचे वीडियो को। क्या आप लोग देखना चाहोगे लेसनर वर्सेस मैकइंटायर 2.0? एक तो 2.0 बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन चलो क्या आप दोनों का रीमैच देना चाहोगे? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट करके। यहीं तक थी, मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट।
वीडियो के अंदर, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलता हूँ आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय, टेक केयर।